प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत टिहरी जनपद में यहाँ पे सड़क निर्माण हो रहा है, जो कि झुंझुनी सैंड से जखेड़ मार्ग है। लगभग 10.5 किलोमीटर का ये मार्ग है, लेकिन जो यहाँ पे काम चल रहा है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो बेहद ही लापरवाही और जो पर्यावरण और विभाग के मानक हैं उनका उल्लंघन करते हुए हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी पोकलैंड मशीन लगी हुई है जो पेड़ों की जड़ों को खोखला करके उनको उखाड़ के फेंक रही है, जबकि नियमता ये होता है कि अगर वन भूमि पड़ रही है रास्ते में या वृक्ष पड़ रहे हैं तो उनका बकायदा छपान होता है, और छपान के बाद उन पेड़ों को नियमता काटा जाता है और उसके बाद इस तरह का सड़क कटिंग का काम शुरू होता है। हमने अपने जो कंजर्वेटर साहब हैं, जो DFO भी हैं, उनके पास कंजर्वेटर का भी चार्ज है वहाँ, तो उनको समुचित इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं और ये भी कह दिया गया है कि वन निगम के MD साहब से बात करके वहाँ वन निगम का स्टाफ तुरंत पहुँचे, उसे कोऑर्डिनेट कर लें। अगर उनको कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको अपने लेवल को देख लूँगा। और जहाँ तक ये GCP से पेड़ उखाड़ने की बात है, ये वाकई में सीरियस है। अगर ऐसी कोई बात है तो जैसा मैंने भी उनको निर्देश दिए कि भाई आप SDO साहब को तुरंत भेजिए वहाँ और इसकी हकीकत पता करिए। तो GCP से तो पेड़ उखाड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इससे तो बहुत सारा सॉइल इरोजन होगा, है ना, और मलबा एक बहुत सारा जनरेट होगा। नई गवर्नमेंट की और हमारी ऐसी कोई पॉलिसी कि हम GCP से पेड़ उखाड़ डालें तो उस पर थोड़ा नियंत्रण लगेगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो कंजर्वेटर साहब हैं तुरंत उस पर एक्शन लेंगे।